हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पहले पार्ट में मैंने एक सवाल पूछा था, इज आई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो देखिए आई एज सच में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते हैं तो हम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ते। मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि टू आई इज ग्रेटर देन आई या थ्री आई इज ग्रेटर देन आई, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब हम इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं तो इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं पढ़ते। जीरो एक रियल नंबर है और आई एक इमेजिनरी नंबर है। हम लोग इनइक्वालिटी जो पढ़ते हैं सिर्फ रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर के लिए हम इनइक्वालिटी नहीं पढ़ते। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। 3 + 5i इज ग्रेटर देन 2 + 3i, ये बोलना बिल्कुल गलत है। इसलिए i को ग्रेटर देन 0 बोलना येस और नो दोनों ही आंसर गलत है। कंजुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैंने पिछले ही क्लास बोला था कि 2 + 3i अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट कैसे दिखेगा। इसका कंजुगेट 2 - 3i होगा और 2 - 3i का कंजुगेट हो जाएगा 2 + 3i। ठीक है, तो इसका कंजुगेट ये, इसका कंजुगेट ये। तो नॉर्मली होता क्या है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi, a - bi इज द कंजुगेट ऑफ इट, एंड फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर a - bi, a + bi इज द कंजुगेट ऑफ इट। ठीक है, कॉन्जुगेट्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया था, एक बड़ा सा बार देखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं a + bi लिख दूँ, a + bi का बार, तो वो हो जाएगा a - bi। तो a + bi का बार, इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट ऑफ a + bi और वो होता है a - bi। और जैसे मैंने कहा था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली हम लोग जेड के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, सो जेड इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ, तो इसका मतलब हो गया कि जेड बार इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में देखिए जो सबसे पहला चीज़ वो ये है कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं जेड का कॉन्जुगेट निकालूंगा और फिर उसी कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट निकाल दूंगा तो वो जेड खुद होगा, आम सी बात है। इसमें ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, सेकंड में आ जाते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो हम इमेजिनरी पार्ट को पॉजिटिव से नेगेटिव बना देते हैं और नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते हैं, बस इतना ही फर्क रहता है कॉन्जुगेट में। ठीक, तो अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका कॉन्जुगेट निकालने के बावजूद भी वो नंबर चेंज नहीं हुआ, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेम एज इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम हो रहे हैं इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हो गया कि इमेजिनरी पार्ट जेड हुआ तो जेड इज प्योरली रियल, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया। और वैसे ही अगर मैं कहूँ कि जेड इज नेगेटिव ऑफ जेड कंजुगेट, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा जेड इज प्योरली इमेजिनरी, जेड इज प्योरली इमेजिनरी। वही लॉजिक है कि पॉजिटिव एकदम से नेगेटिव हो जा रहा है। अब जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे तो उस बुक्स में क्या है, कई सारे प्रॉपर्टीज दिए होंगे कि Z1 + Z2 होल कंजुगेट इज Z1 + Z2 ऐसे बहुत सारे मतलब इस तरह से दिए रहेंगे। अब जो लेकिन मैं उस सबको जनरलाइज करना चाहता हूँ, तो अब जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके करीबन 5-6 प्रॉपर्टी एक साथ इसके अंदर घुस जाएंगी। ठीक है, होता क्या है, फंक्शन ऑफ कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मान लो एक फंक्शन है, उस फंक्शन का मुझे कंजुगेट निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, इनफैक्ट आप ऐसा भी लिख सकते हो कि द कंजुगेट ऑफ दिस थिंग इज सेम एज कंजुगेट इज सेम एज द फंक्शन वेयर द इनपुट्स आर नथिंग बट कंजुगेट्स ऑफ इंडिविजुअल इनपुट, इनपुट्स आर नथिंग बट कंजुगेट्स ऑफ इंडिविजुअल इनपुट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं बाद में कंजुगेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट्स को ही जो हमारे इनपुट पैरामीटर्स हैं उन्हीं को ही हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंजुगेट्स बनाते रहे हैं और फिर हम लोग उसमें बेसिकली फंक्शन लगा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं एडिशन में, आप बुक में देखोगे आपको ऐसा दिखेगा Z1 + Z2 का होल कंजुगेट जो होता है
वो होता है जेड वन कंजुगेट प्लस जेड टू कंजुगेट, ठीक है ना। वैसे ही जेड वन माइनस जेड टू का होल कंजुगेट भी इस तरह से दिया होगा, जेड वन इंटू जेड टू का होल कंजुगेट दिया होगा जेड वन कंजुगेट इंटू जेड टू कंजुगेट, जेड वन बाई जेड टू का होल कंजुगेट दिया होगा जेड वन कंजुगेट होल डिवाइडेड बाय जेड टू कंजुगेट। तो ये तो बेसिकली ये जो चार रूल्स आपकी किताब में अलग अलग तरीके से दिए होंगे इसको आप एक ही में मान सकते हो। हम लोग चाहें तो इस प्रॉपर्टी को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ई मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है जेड कंजुगेट, सॉरी मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है जेड का स्क्वायर का होल कंजुगेट, तो इसमें मैं बोल सकता हूँ जेड कंजुगेट का स्क्वायर हो जाएगा। इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी को चाहें तो आप टू द पावर एन के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले हम लोग जेड का पावर एन का पावर निकाल रहे हैं फिर कंजुगेट लगा रहे हैं, इससे बेहतर है हम पहले कंजुगेट लगा दें फिर एंथ पावर निकालें। तो आपके पास ये फ्रीडम है। इसको देखिए, यहाँ पे मैंने बड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ एक लिखा है फंक्शन, और उस फंक्शन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है कंजुगेट, ठीक है। यहाँ पे जेड वन जेड टू कंजुगेट माइनस जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस जेड टू कंजुगेट, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हो, इस बड़े वाले कंजुगेट को हटा के छोटे छोटे टर्म्स में कंजुगेट लगा सकते हो। सबसे पहले जेड वन में कंजुगेट लगेगा तो ये हो जाएगा जेड वन कंजुगेट, जेड टू का कंजुगेट है ऑलरेडी तो उसका जब कंजुगेट लगेगा तो बेसिकली कंजुगेट साइन हट जाएगी, तो ये जेड वन सिर्फ जेड टू हो जाएगी माइनस जेड टू बार डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा आपका जेड वन कंजुगेट प्लस जेड टू, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं अभी थ्योरी क्लास में ही बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करूँगा कंजुगेट का इसके यूज़ के ऊपर जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करूँगा तब आपको समझ में आएगा कि कितनी यूजफुल चीज़ है ये वाली, ठीक है। तो अभी तक देखिए जो भी ये सबको आप नोट्स बनाते जाइए ये सबका, ठीक है ना। और प्रेसाइसली आपको इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं जितना बता रहा हूँ आपको थ्योरी पार्ट, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। लास्ट क्लास मैंने दिखाया था कि एक नंबर जब अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो रिजल्ट उसका हमेशा रियल होता है, ठीक है। तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट जब करते हैं तो ये आंसर हमेशा रियल आएगा, ठीक है। तो इसका कैसे हो जाएगा, मान लीजिए इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। इफ़ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी देन जेड इंटू जेड कंजुगेट इज ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज ए प्योरली रियल नंबर, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ ऐड की जाती है, तो समझो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, ए प्लस बी आई ए माइनस बी आई ऐसा है, ठीक है। ऐड कर रहा हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा टू ए, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ये प्योरली रियल हो गया। ये क्या हो गया, ये भी प्योरली रियल हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेवन एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सिक्स था, जेड माइनस जेड बार जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई माइनस ए माइनस बी आई, इसको अगर आप ये करोगे तो ये टू बी आई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो अभी आ रहा है रिजल्ट वो हो रहा है टू टाइम्स ऑफ इमेजिनरी जेड एंड दिस इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर सिक्स और प्रॉपर्टी नंबर सेवन का यूज़ समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है पास्ट ईयर से, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, जेड दिया हुआ है रूट थ्री बाय टू प्लस आई बाई टू होल टू द पावर फाइव प्लस रूट थ्री बाय टू माइनस आई बाई टू होल टू द पावर फाइव, ठीक है। और फिर ये कुछ क्वेश्चन हैं, रियल जेड इज इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो वगैरह वगैरह कुछ करके चार चार ऑप्शन दिए हैं। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो इसका कंजुगेट होगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मान लीजिए ये जो है ये इतना पार्ट, ठीक है ना, ये जो है इतना पार्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन, तो मैं बोल सकता हूँ
कि ये क्या है, जेड वन टू द पावर फाइव प्लस जेड वन कॉन्जुगेट टू द पावर फाइव है जेड, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू जेड वन टू द पावर फाइव प्लस, मैं चाहूँ तो कॉन्जुगेट को ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर फोर से हमने सीखा था ये वाला पार्ट, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये प्रॉपर्टी नंबर फोर में हमने सीखा था जब मैं पावर वाला चीज़ करवा रहा था इधर वहाँ से, तो समझ में आ गया। तो ये समझ में आ रहा है कि जेड इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ इट, तो अगर दो नंबर्स जो एक दूसरे के कंजुगेट हैं अगर वो ऐड होते हैं तो ऐड होने से हमको समझ में आता है कि इट विल बी प्योरली रियल, इफ इट इज प्योरली रियल देन डेट मीन्स द इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, हैंस द आंसर इज बी, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा सा क्वेश्चन लगेगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बट दिस इज सच ए स्मॉल क्वेश्चन। ऐसे हम और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स क्लासेस में जब बनाऊंगा इसके वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स के, तो इस तरह के मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डालूंगा आपके लिए। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है उसको जब हम ए प्लस बी आई फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस बी आई फॉर्म में लिखते हैं, तब ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आड़ा टेढ़ा इन द सेंस, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाता हूँ आपको। इसमें आप ए और बी को देखो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें आप ए और बी को देखो, हमको समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर मैं अगर आपसे पूछ लूँ इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, थ्री प्लस फोर आई माइनस टू एक्स आई, और फिर ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर माइनस टू एक्स होल टू द पावर आई। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पे रियल पार्ट है थ्री और इमेजिनरी पार्ट है फोर माइनस टू एक्स, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन आई माइनस फोर्टीन आई स्क्वायर, हैंस दिस इज आई स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस फोर्टीन बन जाएगा ये, ठीक है, तो फोर्टीन प्लस ट्वेंटी वन आई, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूँ रियल पार्ट क्या होगा तो फोर्टीन और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 21, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमेशा न्यूमरेटर में इस तरह से रहना चाहिए, डिनोमिनेटर आप चाहे तो कोई कांस्टेंट या फिर वन रख सकते हो। जैसे उसका यूज़ कैसा है, देखिए इस क्वेश्चन में उसका यूज़ समझ में आएगा क्यों हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये तो इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछ दूँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS को जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक हमको समझ में क्या आएगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, पिछले क्लास में बताया था इसका कॉन्जुगेट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस रूट थ्री आई, ठीक है, रूट थ्री माइनस आई को जगह प्लस आई मल्टीप्लाई करूँगा और ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस आई इंटू रूट थ्री प्लस आई, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद तो इसका फाइनल कैलकुलेशन करने में आपको ये मिल रहा है रूट थ्री माइनस वन बाई टू, और ये बराबर किसका होना चाहिए, ये बराबर है एक्स प्लस आई वाई के, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट थ्री बाई टू और वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू, मेरे आंसर मिल गए मेरे को इस तरह से। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशंस को भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो तो खैर इक्वेशंस हम लोग जब करेंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये जरूरत होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं।